सिर्फ एक मिनट बची है 5:20 होने में और हमारे जो गेट हैं वो जल्दी सेंटर के खुलने वाले हैं, बच्चे जल्दी बाहर आने वाले हैं और गेट ओपन हो चुका है और हम ये देखेंगे कि अभी बच्चों का एग्ज़ाम कैसा गया है, किस तरीके से एग्ज़ाम आया था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कितना पोर्शन बच्चे ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, तो हम सब चीज़ें जानेंगे, उसके लिए वीडियो में बने रही है एंड तक देखें। आपके नेम? आफिया। 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 तो आपके सिस्टर का एग्ज़ाम है या ब्रदर का? ब्रदर का एग्ज़ाम है। तो आप चाहते हो डॉक्टर बने, है ना? चाहते हो ना? तो आपके भाई कैसे तैयारी करते थे? पूरी पूरी रात पढ़ते थे क्या? पूरी पूरी रात पढ़ते थे। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? आईएएस बनना चाहते हो? अरे सलामी करनी पड़ेगी अभी से आपको, है ना? हाय, आपका नेम? आशीष कुमार। कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत अच्छा था। तो मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या था? मॉडरेट। सबसे इजी क्या था? बायोलॉजी। और सबसे डिफिकल्ट? थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट था, हार्ड तो नहीं बोलता। तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? लगभग 580 प्लस। तो लग रहा हो जाएगा, बस ठीक है फिर तो। ओके थैंक यू। हेलो। हेलो, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ठीक था। ठीक था। वैसे डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था? डिफ़िकल्टी लेवल भी ठीक था। ठीक था। तो आपको कितने मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो अभी मैं घर जाके चेक करूँगी तभी बता पाऊँगी। ओके, तो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा पोर्शन आपका कौन सा गया, कौन सा पोर्शन सबसे ईजी था? बायोलॉजी भी ठीक था, फिजिक्स भी ठीक था। अच्छा, तो केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट? केमिस्ट्री भी ठीक था। ठीक था, हो जाएगा लग रहा है। पता नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। तो योर नेम? तन्वी गुप्ता। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट की है, अब देखो कैसा क्या जाता है। अच्छा, वैसे डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था आपके अकॉर्डिंग? हाँ मतलब अगर ढंग से कोई इंसान पढ़ के जाएगा तो आपके लिए बातें अच्छे से जाएगा, उतना भी डिफिकल्ट भी नहीं था ना उतना ज़्यादा, मतलब ईजी था बट टफ तो था। तो मतलब NCERT से ज़्यादा पोर्शन था? हाँ, NCERT पोर्शन हमेशा से अप्रॉक्स ज़्यादा ही आते क्वेश्चन। ओके, तो आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी तो मैच करना पड़ेगा, उससे पहले मैं कुछ गेसिंग नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, तो कौन सा पोर्शन सबसे बेस्ट गया है आपका, मतलब बायो? जूलॉजी एंड बॉटनी। ओके ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा हुआ। आपका नेम? तो ओवरऑल आपका जो पेपर है वो कैसा गया, मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या था? आसान था। बहुत आसान था। मतलब बहुत ज़्यादा आसान था। तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? 650 से ऐसा लग रहा है कि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो मैं गॉड ब्लेस यू, आपका हो जाएगा। मैं ये पूछ रही थी कि आपके हिसाब से सबसे इजी पोर्शन कौन सा था एंड सबसे डिफिकल्ट? थैंक यू। क्या बात है सर। ओके, योर नेम? अर्पिता। अर्पिता, कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया? बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा ही गया है। ज़्यादा रिवाइज वगैरह नहीं करा था एक महीने से। तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था पेपर का? केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट था थोड़ा। ओके, तो मतलब आप चाहते हो कि पेपर पोस्टपोन होना चाहिए था, मतलब जैसे बच्चे बोल रहे थे, मतलब ठीक था? हाँ, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। 2022 वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मेरे को बस थोड़ा सा रिविजन में लैग कर रहा था क्योंकि मैं अभी एक महीने से आउट ऑफ स्टेशन थी ना, वो चीज़ें आ जा रही थी बस दिमाग में, इस वजह से थोड़ा सा। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ बच्चों की मांग है कि जो नीट है वो दो बार होना चाहिए, मतलब पूरे ईयर में, तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी आप चाहते हैं? प्रिपेयर करने के ऊपर डिपेंड करता है, जिसने शुरू में प्रिपेयर करा होगा उसको लगता होगा कि एक ही बार में ठीक है, अगर उसने प्रिपेयर नहीं किया है फर्स्ट टाइम पर तो उसको लगेगा कि दो बार करना चाहिए। वैसे कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करो? मैंने मार्क्स कैलकुलेट नहीं करे हैं, बस मैंने लास्ट टाइम पे पेपर दे दिया। ओके चलो, थैंक यू, नाइस मीटिंग। थैंक यू। योर नेम? प्रियंका। प्रियंका, कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ, बायो का तो इजी था। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा पोर्शन था और सबसे इजी कौन सा था? बायो तो अच्छी थी, NCERT बेस्ट था पूरा,
मैचिंग ही थी ज़्यादातर पिछली बार की तरह, फिजिक्स था थोड़ा बस। तो ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था? नहीं, सेकंड अटैम्प्ट। तो क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ जाएंगे? बता नहीं सकते, पूरा लास्ट टाइम तक किया था, गिना नहीं अभी तक मैंने कितना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। साक्षी, कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। तो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था? डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं था, ईजी आया था पेपर। ईजी आया था, बायो और केमिस्ट्री ईजी। ओके, तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा मतलब ईजी पोर्शन कौन सा था? बायो काफ़ी ईजी आया था। और सबसे डिफ़िकल्ट? डिफ़िकल्ट तो नहीं था, बट केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा था। ओके, कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो साल में दो बार होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? हाँ, जैसे जेई के एग्ज़ाम्स में चांस मिलता है, वैसे अगर नीट में भी चांस मिले तो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि नीट काफ़ी बच्चे देते हैं, जेई के कंपैरिजन में नीट में भी चांस मिलना चाहिए। ओके, और सीट्स को इंक्रीज़ करने से मतलब आप चाहते हो कि सीट इंक्रीज़ होनी चाहिए? सीट इंक्रीज़ हो या ना हो, बट होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। योर नेम? आदित्य। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? ठीक ही गया, फर्स्ट अटैम्प्ट था तो अच्छा नहीं गया। पर मतलब अच्छा नहीं गया तो परेशान हो या कुछ प्रॉब्लम? हाँ, वो तो लाजमी है। अच्छा, तो वैसे डिफ़िकल्टी लेवल क्या था आपके हिसाब से? केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड था और बॉटनी हार्ड था। बॉटनी हार्ड था, फिजिक्स और जोलॉजी आसान। अच्छा, तो क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ जाएंगे? मेरा 460 बन रहा है। आपने कैलकुलेट भी कर लिया? ओके, सो मैं गॉड ब्लेस यू, क्या पता। हेलो, कैसा था मतलब डिफिकल्टी लेवल कैसा था? ठीक था, इस बार एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड था, तो आपका सबसे अच्छा कौन सा पोर्शन गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? बायो। बायो सबसे अच्छा गया, तो हो जाएगा लग रहा है। मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? 600 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो? चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ऑलमोस्ट सभी बच्चे बाहर आ चुके हैं एंड अपने अपने घर को रवाना भी हो गए हैं। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, तो हमें ओवरऑल यही बात पता चली कि ज़्यादातर बच्चों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, एंड स्पेशली लड़कियों का एग्ज़ाम, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन में जिन लड़कियों से हमने बात की उनका कहना ये है कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, पेपर का लेवल काफ़ी मॉडरेट था, ईजी था। और इसके साथ में ही बायो का सबसे ईजी पोर्शन था, केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, फिज़िक्स मॉडरेट थी। तो ज़्यादातर बच्चों के हिसाब से यही हमारे नीट 2023 का जो है आकलन है, जो इस बार का पेपर आया है। और कहना बच्चों का ये भी है कि पिछली बार बायो का जो पेपर था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था इस बार के मुकाबले।